हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज हमने डीसी मशीन का शुरू किया है। इससे पहले जो है हमने कई सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। अगर आप उन सारी चीज़ों को नहीं देखे हो तो आपको इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए। आप जाइए, सबसे पहले देखिए डीसी मशीन, क्योंकि डीसी मशीन में हमने डीसी मोटर को पढ़ाया है। उसमें भी कई सारे टॉपिक हमने कराए हैं, जैसे कि हिस्टेरेसिस। ये हम इस हर वीडियो में इसलिए बता देते हैं ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखिए, हिस्टेरेसिस है, ईडी करंट लॉस है, ये भी एक तरीके का है ईडी लॉसेस। उसके बाद आपको हमने पढ़ाया था फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया डीसी मोटर, जो कि सबसे काफ़ी लेंदी वीडियो रहा है, कम से कम एक घंटे का तो होगा ही। तो क्या है कि ये लेक्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंस है, क्या डीसी मोटर। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं देखे हो तो आप समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ें स्किप करके आए हो। तो आप जाइए, इन सारी लेक्चर को देखिए, उसके बाद जो है आज के इस वीडियो पर आइए, जो हम आपको पढ़ाएंगे डीसी जनरेटर। तो जिस तरीके से हमने आपको डीसी मोटर पढ़ाया था, ठीक उसी तरीके से हम आपको बताएंगे डीसी जनरेटर क्या होता है। अगर आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है या समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और जो है क्या करिए कि जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ इसको डिस्कस करिए, और जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब कुछ भूल जाइए जो हमने बोला, जो हमने पढ़ाया, अभी आप इसके पर आज का इस जो भी लेक्चर देखा करिए, एकदम फ्री माइंड से देखा करिए। देखिए, यहाँ पर हम आपको जैसे पढ़ाए थे डीसी मोटर हमने आपको पढ़ाया था, तो किस तरीके से हमने शुरू किया था। हमने डीसी मोटर को जो है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन को मोटर के एक्सपर्ट में पढ़ाया आपको, सेल्फ एक्साइटेड मोटर करके। ठीक उसी पॉइंट से हम आपको जनरेटर स्टार्ट करेंगे, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। हम आपको ठीक उसी तरीके से जैसा आपको मोटर में उनका नाम था वैसा यहाँ पर भी उसका नॉर्मल क्लेचर रहेगा। बस केवल डिफरेंस ये रहेगा, जहाँ पे मोटर था वहाँ पे जनरेटर होने वाला है, और कोई वहाँ पे उससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आज के टॉपिक में डीसी जनरेटर। ध्यान से देखिएगा, डीसी जनरेटर इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। जनरेटर क्या होता है? अगर आप हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखे होंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर आप इनपुट में मैकेनिकल देते हो, मैकेनिकल इनर्जी, और आउटपुट में ये क्या है, इनपुट अगर आउटपुट में आप लेते हो क्या, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, तो वो क्या होता है, वो आपका हो जाने वाला है जनरेटर। क्या होगा आपका जनरेटर ये हो जाने वाला है। तो चलिए इसको हटाते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से आप जनरेटर के सारे टॉपिक को देखोगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो देखिए, आपके लिए सबसे नेसेसिटी क्या चीज़ है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने आपको डीसी मोटर एक वीडियो में पढ़ाया था, डीसी जनरेटर भी हमको आपको एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम आपको करंट और वोल्टेज का इक्वेशन केवल बताने वाले हैं, और उसका सर्किट डायग्राम जो मेरा एस्पेक्ट है समझाने का, सर्किट डायग्राम किस तरीके से आप बनाओगे जो भी मोटर अगर हम बोलें, ठीक उसी तरीके से हम आपको ये भी पढ़ाएंगे डीसी जनरेटर। जिस तरीके से डीसी मोटर आपको हमने बताया उस वीडियो में, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, चाहे वो जो भी एक्सपेक्ट में आप देखें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे जो है सेपरेट वीडियो में करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी में अगर मिक्स कर देंगे तो वो उस पॉइंट तक नहीं ले जा पाएंगे जो हम आपको जहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं ठीक वैसे आप ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर समझना क्या है, हमने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे डीसी जनरेटर, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि अगर हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को डिवाइड करें
इसको आप जानते हैं कि हमने डीसी मशीन को डिवाइड किया था सेल्फ एक्साइटेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, उसके बाद परमानेंट। तो हमने सेल्फ एक्साइटेड से मोटर भी पढ़ाया था जो कि सीरीज शंट कंपाउंड फिर लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट। उसी तरीके से यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका जो है डिवाइड होगा किस में, किन किन पार्ट्स में हो जाने वाला है आपका स्टूडेंट जो है हो जाने वाला है। सबसे पहले होगा सीरीज, सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर आपका हो जाने वाला है सबसे पहला। देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको समझना है। एक ही वीडियो में आपको डीसी जनरेटर का सारा टॉपिक्स मिलेगा, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ये सेमेस्टर तो निकलने वाला है, बाकी कभी भी आप इन सारे सर्किट को भुला नहीं पाएंगे, भुलाना भी चाहेंगे तो इसको जो है भुला नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर को यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा, आपको बताएंगे क्या शंट वाउंड, इन सारे नाम को आप जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लिए होंगे, क्योंकि अगर आप डीसी मोटर देख के आए होंगे तो जो है क्या है शंट वाउंड डीसी जनरेटर, शंट वाउंड डीसी जनरेटर। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है कंपाउंड, नाम केवल वही है, कुछ इसमें ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं है, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। जैसे जैसे करा रहे हैं बिल्कुल आप उसको वैसे रहने से। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, जो आपका कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर है, इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। पहला पार्ट आपका हो जाएगा लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर, लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर, या फिर शंट डीसी जनरेटर, तो ये जनरेटर लिखे हैं हम, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर, शॉर्ट शंट डीसी, आप इस तरीके से लिख सकते हो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है। एक आपको हम मज़ेदार एक बात बताते हैं, देखिए ये सारी चीज़ें जब आपके कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई, या आपके जो जहाँ से आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो वहाँ से अगर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो वहाँ पर क्या बताई जाती हैं, आपको इस तरीके से बताया जाता है कि आपको लगेगा कि इसको हमें तैयार करने में काफ़ी समय लगेगा। बस देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक जिस तरीके से हम आपको एक ग्राफ के रूप में पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको एक फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आप उसी तरीके से ध्यान दीजिए। एक भी मोटर आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, एक एक मोटर के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि इसको बहुत ध्यान तरीके से देखना है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है इसमें हमने सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर पढ़ा, अरे मतलब अभी आपको पढ़ाएंगे सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, नाम को याद मेरे साथ बोलिए कि सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, शंट वाउंड डीसी जनरेटर, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, उसके बाद लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने आपको डीसी मोटर एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराया, ये हम अपने आपके लिए बनाए थे ताकि आपको क्या हो कि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, एक बार आप क्लिक करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं और सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं, क्या सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, क्या शुरू करेंगे सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर। तो चलिए इसको हटाते हैं। तो आप जो है इन सारी चीज़ों को समझ के चलिए, सेल्फ एक्साइटेड का कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपके माइंड में अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो इसमें समझने में प्रॉब्लम होगी। सेल्फ एक्साइटेड कहने का मतलब यह है कि जो खुद से एक्साइटेशन करता हो विदाउट किसी एक्सटर्नल बॉडी के हेल्प, जैसे एक्सटर्नल बॉडी जैसे आप डीसी, विदाउट किसी डीसी के हेल्प से, डीसी सोर्स के हेल्प से, ये चीज़ें आप समझिए। जो कि अभी आप अगर मोटर पढ़ी होंगी तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीरीज जो टॉपिक चलेगा किसके बारे में, सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, सीरीज वाउंड डीसी
जनरेटर, सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर। देखिए ये जो आपका टॉपिक है सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर, इसमें आपको सबसे पहले क्या समझना है, जैसे हमने आपको मोटर में बताया था, ठीक उसी तरीके से आप समझिए कि यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, दो चीज़ों की। क्या? पहला पहला फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। देखिए ये फील्ड वाइंडिंग क्या है, अगर आप ये चीज़ नहीं तो लेक्चर नंबर दूसरा देख के आइए। देखिए दूसरे में हमने आपको पढ़ाया था फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद है आपका सबसे नेसेसिटी जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए डीसी कंस्ट्रक्शन को अगर वीडियो लेक्चर नंबर दूसरा अगर आप नहीं देख के आए हो तो आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर हम बात करें सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर का केस में, और यहाँ क्या करना है, सीरीज करना है, पकड़ के चलिए इसके नाम को पकड़ के चलिए कि सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग दोनों को करना है सीरीज में, दोनों क्या करना है सीरीज में। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो अब आपको सब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बनाना है डायग्राम, सर्किट डायग्राम, तो आप क्या करोगे, सीरीज माउंट डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप जो है फील्ड वाइंडिंग को बनाइए। देखिए ये आपका क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। उसके बाद ये जो आपको आर्मेचर वाइंडिंग दिख रहा है, अब क्या करना है कि देखिए फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है आर्मेचर वाइंडिंग के, तो फील्ड वाइंडिंग आपका बन गया है और इसको हमें करना है सीरीज में। अगर सीरीज में कर रहे हैं तो देखिए इस तरीके से जो है आपका आर्मेचर बनेगा, और देखिए सीरीज में हमने किया है आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग सीरीज में किया है आर्मेचर वाइंडिंग के। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा देखता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए बहुत ही आपको जो है साफ सुथरा और काफ़ी जो है अच्छे तरीके से दिख रहा है। चलिए यहाँ पर इसके आगे समझिए, कोई भी वाइंडिंग हो रेजिस्टेंस सर होने वाला है, रेजिस्टेंस वहाँ पे होने ही वाला है, तो क्या करना है, रेजिस्टेंस को इसका नाम देते हैं। अगर ये जो है सीरीज का है तो आर एस ई अगर नाम दे दे तो क्या बुरा है, आर एस ई देते हैं। आर्मेचर का है वाइंडिंग तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर एक दे दे रहे हैं तो क्या इसमें बुराइयाँ हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जब हमने आपको ईएमएफ इक्वेशन पढ़ाया था मोटर में, तो हमने आपको बताया था कि सर वहाँ पे आप मोटर कंडीशन में ईवी से दिखाएंगे, मोटर के कंडीशन में बैक ईएमएफ, और ईजी का मतलब क्या है, जनरेटेड ईएमएफ, जी की कौन से कंडीशन में, जनरेटर के केस में। तो ईबी की जगह जो है ईजी आपको रखना है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। ईजी का मतलब ईजी, ईजी का मतलब आसान। चलिए यहाँ पर देखिए ईजी जो है जनरेटेड ईएमएफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या समझनी है यहाँ पे, कि आप समझिए वही कंडीशन है कि वीटी यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, बना लीजिए जिस तरीके से मैं आपको बना रहा हूँ। करंट जो है स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे, करंट जो आपका निकलने वाला है, पहले करंट हम लेते थे तो यहाँ से दिखाते थे, बट जनरेटर के केस में करंट जो है हम आर्मेचर से निकालेंगे, यहाँ से हम करंट को दिखाना कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से आपको समझा रहे हैं बिल्कुल समझते हुए चलिए, अगर आर्मेचर से निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, आई ए। आर्मेचर करंट जब जाएगा आगे सीरीज वाइंडिंग में तो क्या हो जाएगा, आई एस ई सीरीज करंट, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई आई लिखिए चाहे आई टी लिखिए, टर्मिनल टर्मिनल करंट चाहे वो भी, तो आई लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रही हैं तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम जो है इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके आगे इसको देखिए, आप आईटी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जो आप इसको लिखना चाहें, समझने के लिए आप इसको समझ करके चलिए। अगर आपकी बुक में आईटी लिखा थी, मैं सोचिएगा कि मैं अगर आपको गलत पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि ये जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको इस तरीके से समझना है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें करंट इक्वेशन की, करंट इक्वेशन की इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब हमने ये बना लिया है तो इसका हमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ताकि लिखने में करंट और वोल्टेज का प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं, आप बिल्कुल बोरिंग ना होइए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है। जब आपने डीसी मोटर को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे करेंट इक्वेशन की, तो इसमें आप क्या लिखने वाले हो, अगर हम बात करेंगे करेंट इक्वेशन की, तो देखिए
इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, आप इसमें लिखोगे, देखिए ये सीरीज का है तो करंट कहीं भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है वहीं वहाँ से पहुँच रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपका करंट सीरीज में है तो क्या लिखेंगे, आई आई आपका, देखिए यही आई ए आई एस ई, आई में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, तो क्या लिखेंगे आई एस ई इक्वल टू आई ए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख रहेंगी, तो करेंट इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स छाप लीजिए, बिल्कुल यही होने वाला है करेंट इक्वेशन। अब अगर हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन की, जो कि केवीएल से आप निकालेंगे वोल्टेज इक्वेशन, तो देखिए आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स वोल्टेज इक्वेशन जो मिलने वाला है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डायरेक्ट लिखवाऊंगा, क्योंकि मोटर में हमने आपको बताया कैसे निकाला जाता है, तो इस तरीके से आप इसमें जनरेटर में भी कोशिश करिए आप निकालने की। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज को लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, तो आप वी टी लिख सकते हो, वी टी वी टी, और यहाँ पे जो कंडीशन है किसका, प्लस ई बी का, सॉरी वी टी वी टी, आप वी टी इक्वल टू लिखिए क्या क्या, वी टी इक्वल टू ई जी, वी टी इक्वल टू ई जी, अब वी टी इक्वल टू ई जी है तो क्या लिख सकते हो, देखो वी टी इक्वल टू ई जी माइनस वी टी माइनस, अगर आप जो है केवीएल लगाते हो तो यहाँ पे हो जाएगा वी टी माइनस, ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, वी टी माइनस ई जी प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस आई ए आर ए इक्वल टू जीरो। आई होप आपको ये इक्वेशन जो है दिख रहा होगा, तो इस इक्वेशन के थ्रू अगर हम आगे जाएं तो हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन के थ्रू अगर हम आगे जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम वी टी को एक तरफ बाकी सब कुछ उस तरफ लेते हैं तो क्या मिलेगा, वी टी इक्वल टू ई जी माइनस में है इक्वल कुछ तरफ जाएगा प्लस में, बाकी सब प्लस में है, ये आई ए है मिट गया ध्यान दीजिएगा, अब बाकी सब प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में, तो क्या लिखिए, माइनस आई एस ई आर एस ई माइनस आई ए आर ए इक्वल टू, इक्वल टू नहीं, यही हो आपका होने वाला है, वी टी इक्वल टू ई जी माइनस आई एस ई आर एस ई माइनस वी आई ए आर ए। बिल्कुल बिल्कुल आपको स्टूडेंट जो है आपको ये दिख रहा होगा कि सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एकदम साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसको अच्छी तरीके से ले सकते हैं, साइड इसलिए हो जाते हैं ताकि कोई चीज़ छिपे छिपी ना रहे, आपको क्लियरली दिखाई दे और आप इसको अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स में जो है बना करके इसको पढ़ सको, ताकि आपको जो है कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपको दिक्कत होती है तो हमें भी दिक्कत होती है, चलिए आपसे रिलेट करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो वी टी है, ये इक्वेशन आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा, वी टी इक्वल टू ई जी माइनस आई एस ई आर एस ई माइनस आई ए आर ए, इसको रट लीजिए, इसको रट लीजिए, मोटर में आप क्या पढ़ रहे थे, कुछ अंतर नहीं था, वी टी इक्वल टू ई जी प्लस आई एस ई आर एस ई प्लस आई ए आर ए, बस केवल ये है कि यहाँ पे आई ए सी और आर ए सी माइनस में आ गए, माइनस में, तो थोड़ा सा पहले आप पूरा पढ़ लीजिए क्या इसमें लॉजिक है, बाद में इसको आप अपने लॉजिक के तरीके से समझ सकते हो, कि अपने से रटने का एक माहौल होता है समझने का। चलिए इसको हटाते हैं, अब बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे अब आपका शंट वाउंड डीसी जनरेटर, शंट वाउंड डीसी जनरेटर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो आप कमेंट में तुरंत अभी कमेंट करिए कि सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम बात करेंगे शंट वाउंड डीसी जनरेटर, तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप कहीं और हो, आपके मोबाइल के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ देखते हैं कि शंट वाउंड, शन वाउंड डीसी जनरेटर, जनरेटर देखिए आपसे इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी होने के मतलब ज़्यादा मज़ा आपका आएगा नहीं, तो मैं चाहता हूँ आपको जो है एक ही में सारे अच्छे से पहले सारी चीज़ें पढ़ा दें। देखिए जो शंट वाउंड डीसी जनरेटर है, इसको आपको समझने के लिए दो पॉइंट्स ध्यान दीजिए, जैसे मोटर में आप आपको पढ़ा, जनरेटर में सॉरी मोटर निकल जा रहा है तो आप जनरेटर समझ के चलिएगा, शंट वाउंड डीसी जनरेटर जितने भी जनरेटर यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं केवल दो चीज़ें यहाँ ध्यान दीजिए, दो वाइंडिंग, ये मोटर का डिवीजन ही हमने जो कराया है ऑन डिपेंडिंग द क्या नाम है कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के
कनेक्शन पे जो है डिपेंड करके हमने इसको पढ़ा है। देखिए पहले कंडीशन में आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पहले कंडीशन में क्या लेना है, बिल्कुल आप दो चीज़ें ध्यान दीजिए। पहले कंडीशन में आपको लेना है क्या, पहले में लेना है आपको फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग अगर आप हमारे मोटर का वीडियो देखे होंगे तो आपको एकदम टच कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, बिल्कुल सारी कॉन्सेप्ट आपको टच कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए इस नाम को, देखिए उसमें सीरीज था, इसमें संट है, संट वाउंड डीसी जनरेटर। संट का मतलब है पैरलर, संट का मतलब क्या है कि आप समझ के चलिए कि अगर कहीं संट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं पैरलर का कंडीशन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, पैरलल। तो देखिए अगर इतनी चीज़ आप समझ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो पैरलर में रहेगा आर्मेचर वाइंडिंग के। तो अगर इसके सर्किट को हम बनाएं तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं कि देखिए अब हम पैरलर में कैसे दिखाएंगे जब हम आर्मेचर को पहले बना लेंगे। मान लीजिए हमने आर्मेचर को बना लिया, आर्मेचर वाइंडिंग को। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फील्ड वाइंडिंग, तो इस फील्ड वाइंडिंग को अगर हम बनाते हैं इसके पैरलर में, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग आपका बन गया है। देखिए संट का मतलब आपका कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लिखें तो आर एस एच लिखेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे आर्मेचर का है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो आर ए लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ई जी आपका होने ही वाला है, और करंट स्टूडेंट जो है आपका आई ए निकलेगा। आई ए, आई ए गया, इसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ से देखिए वी टी, वी टी को आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ आई ए निकला, इसके पास दो रास्ते, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई एस एच, और इस कंडीशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा आई टी लिख लिए, चाहे आई लिखिए, तो मैं आई लिख रहा हूँ, आप इसको समझ करके चलिएगा। तो ये जो है आपका सर्किट डायग्राम होने वाला है। अब अगर स्टूडेंट्स इसको हम हटाते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर ये चीज़ें आपको आ जाएंगी तो आप इसकी सर्किट को धड़क से बना लोगे। चलिए इसको हटाते हैं, इस सर्किट को बनाना अगर आप गया तो आप जो है पक्के पक्के इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हो। चलिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं करेंट के इक्वेशन को, करंट के इक्वेशन को, तो क्या लिखने वाले हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम लिखे करंट के इक्वेशन को, तो जो आपका करंट का इक्वेशन होने वाला है, देखिए ये क्या है कि केसीएल से समझिए, किरचॉफ करंट लॉ। देखिए जो इनकमिंग करंट है वो इक्वल होता है आउटगोइंग करंट के। देखिए यहाँ पे इनकमिंग क्या, ये करंट आ रही है इस जंक्शन के पास, ये करंट आ रही है इस जंक्शन के पास, तीन चार रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं इसलिए जंक्शन को लगा रहा है, ये करंट आ रही है ऐसे आई, देखिए इसके पास दो रास्ते हो गए, दैट इज पॉइंट कॉल एज द जंक्शन। तो ये जो आई ए आएगा तो दो रास्ते में हो गया, तो ये क्या है इनकमिंग है आई ए, आउटगोइंग क्या है आई और आई एस एच, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो क्या लिखेंगे हम आई ए इक्वल टू, आई ए आपका इनकमिंग है इक्वल है किसके, आउटगोइंग के, तो आउटगोइंग क्या आप क्या लिख सकते हो कि आई एस एच प्लस आई प्लस आई, ये चीज़ें आपको समझ करके चलनी है। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि आप इसको जो है समझ के चलें। तो मेरे ख्याल से ये सारी टॉपिक जो है आपको समझ में आ रही होंगी, तो क्या टफनेस है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलिए अब वोल्टेज इक्वेशन को जो है हम लिखते हैं, तो बिल्कुल आप बोर मत हो, बहुत ही मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंस टॉपिक है कि आपको बोर होना ही नहीं चाहिए। ये इसलिए करा रहे हैं ताकि अगर मोटर का हम नाम लें तो आपके माइंड में इसका वोल्टेज इक्वेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, तो केवीएल से लगाते हैं ध्यान दीजिए। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसको लिखें तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वी टी इक्वल टू माइनस ई जी प्लस आई ए आर ए इक्वल टू जीरो। देखिए इस अभी आर एस एच को स्किप करके चलिए, मान लीजिए आर एस एच है ही नहीं, आपने क्या किया इसमें वी टी माइनस ई जी प्लस आई ए, क्योंकि पैरलर में है अभी, इसको आप समझिए कि इसको हम बताएंगे इसमें क्या करना है। पहले आप इसको ले लीजिए, क्या नाम है कि देखिए ई जी तो है ही आपका, ई जी तो आपका है ही, एक तरीके का ई एम एफ है, तो एक तरीके पोटेंशियल है, यहाँ से ई जी है आपका, ठीक ई जी है, ई जी है, और ये वी टी है, वी टी और ई जी यहाँ से ले लें, और आपका जो है ये आर्मेचर वोल्टेज जो है यहाँ पे हम ले लेंगे, जो कि देखिए वी आई ए आर ए की कंडीशन में हमने इस इक्वेशन को लिखा। अगर इक्वल के उस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू ये माइनस में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस में ई जी हो जाएगा, और ये जो है माइनस में क्या हो जाएगा आई ए और आर ए। तो स्टूडेंट्स ये आपको देखने को मिलेगा।
अब आपको ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर मैं साइड हो गया हूँ, आप जो है इसको ध्यान से देख सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो ये आपको आई एस एच और आर एस एच दिख रहा है, ये मिलेंगे तो वी एस एच बनने वाला है, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। तो अगर आई एस एच और आर एस एच मिल रहा है तो वी एस एच हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये पैरेलल में है वी टी के, तो वी टी इक्वल टू वी एस एच हो जाने वाला है कि नहीं, हो जाने वाला है कि नहीं, देखिए समझिए कि वी टी इक्वल टू वी एस एच हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसी कंडीशन का आगे बढ़ाएं तो वी टी इक्वल टू आई एस एच आर एस एच, आई एस एच आर एस एच, अगर हम यहाँ पे आई एस एच निकालें शंट करेंट, तो वी टी अपान आर एस एच, ये फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये आपका कंप्लीट हो गया, सीरीज वाउंड, अरे सॉरी, संट वाउंड डीसी जनरेटर, संट वाउंड डीसी जनरेटर, शंट वाउंड डीसी जनरेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बस बिल्कुल आप उसी तरीके से इसको ध्यान दीजिए और मगअप करके चलिए, मगअप करके चलिए, मतलब याद करके चलिए, समझ करके चलिए। तो यहाँ पर हमने आपको दो टॉपिक पढ़ाया, सीरीज शंट वाउंड डीसी जनरेटर। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, इसमें आपके दो पार्ट्स हो जाएंगे, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। नाम काफ़ी बड़े हैं, इस मोटर को देखेंगे तो आपको जो है दिखेगा काफ़ी अच्छे तरीके से। लैब में जाइए और वहाँ पे देखिए, सारे मोटर्स एक तरीके से बिछाए रहते हैं बेसिंग पे। देखिए यहाँ पर जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंस हो जाने वाला है, अगर आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि ये इक्वेशन के रूप में देखिए, चाहे क्लास में कभी पूछा जा सकता है, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, नहीं तो आपके लैब में प्रैक्टिकल कभी भी कुछ करने जाओगे तो विदाउट ये सब नॉलेज के आप उसमें समझ ही नहीं पाओगे उसमें करना क्या है और समझना क्या है। अगर कोई मोटर है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके बारे में जानोगे नहीं तो क्या समझोगे कि क्या उसमें वोल्टेज होने वाला है, क्या करंट होने वाला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दोगे बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब देखिए अगर हम बात करें कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर में, तो बात क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए इन दोनों का, अब जो कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर है उसमें दोनों का कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला है, सीरीज का और शंट का भी। तो चलिए पहले बताते हैं फिर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़ क्या बोलने वाले हैं कि ये टॉपिक हम जो शुरू किए हैं सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे शुरू करेंगे क्या, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। क्या है कंपाउंड, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, इसको शंट जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन सी, लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, और दूसरा क्या है शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। तो देखिए दो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्या पहला है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, दूसरा है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। तो ये दो टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर के बारे में। तो इस चीज़ को भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स ज़्यादा देर ना करते हुए इन सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझना है कि जो आपका लॉन्ग शंट का, इसको हटाते हैं और इस टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉपी पेन उठा करके जितनी चीज़ें लिखा रहे हैं लिखते हुए चलिए। यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले कि लॉन्ग शंट, ये जो मशीन का पार्ट है ना, इसको समझना बहुत ही आसान है बट इसको ज़िंदगी भर समझना बहुत ही टफ। लॉन्ग शंट
कंपाउंड, लॉन्ग शंट वाउंड कंपाउंड वाउंड डीसी, जी से लिखते हैं आप समझ आएगा डीसी जनरेटर। देखिए जब हम बात करें लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंस आपको क्या समझना है कि इसमें जो शंट वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग वो जो है क्या होगी, वो जो है पैरेलल में रहेगी, पैरेलल में रहने वाली है किसके, किसके पैरेलल में रहने वाली है, सीरीज वाइंडिंग में और आर्मेचर वाइंडिंग में। आप इतनी चीज़ें ध्यान दीजिए, शंट वाउंड जहाँ शंट वाइंडिंग है वो पैरेलल में रहेगी सीरीज वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग में, ये चीज़ें ध्यान दें क्या होगी, पैरेलल में होगी। चलिए इसी कंडीशन को हम लागू करके इसमें बनाते हैं एक सर्किट डायग्राम। यहाँ पर जब ये शंट वाउंड पैरेलल रहेगा दोनों के, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीरीज को बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बना लेते हैं आर्मेचर को, चलिए बना लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, ये शंट वाइंडिंग पैरेलल में है इन दोनों के, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे शंट वाइंडिंग की। तो ये जो हमने शंट को बना लिया, अगर हम वी टी सप्लाई इसमें देते ही हैं तो देंगे भी। अब ये आपका शंट है तो आर एस एच, सीरीज है तो आर एस ई, ये सब क्या है, ये सब तो आपको फट लिखना चाहिए, आर ए और उसके बाद यहाँ पर क्या है ई जी, जनरेटेड ई एम एफ। करंट को अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिए आई ए से निकल आई ए और सीरीज वाले में जाएगा तो क्या हो जाएगा आई एस ई, आई एस ई आई एस ई गया यहाँ पे, देखिए जंक्शन दो पार्ट्स हो गया क्या, आई एस एच और यहाँ पे आई लिखिए चाहे आई टी लिखिए, तो हम आई लिख के चल रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज़ ज़्यादा ना करेंगे, इसलिए जो हम यहाँ पे यही कंडीशन लिख करके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, चलिए इसके आगे ध्यान देते हैं, देखिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या लिखते हैं उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये लिखने वाले हैं कि यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वो सबसे शानदार होने वाला है, वो क्या है उसको ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें करेंट इक्वेशन की तो क्या होने वाला है, अगर हम बात करें करेंट इक्वेशन की तो यहाँ पर जो आपका आई ए दिख रहा है, ये आई ए और आई एस ई, आई ए और आई एस ई दिख रहा है, ये जो है देखिए यही आई ए करंट आई एस ई बाद में हो जा रहा है, तो इसको चाहे आप आई ए लिखिए चाहे आई एस ई लिखिए, अगर हम एक तरीके से इसको इस तरीके से लिखें आई ई आई एस ई इक्वल टू आई ए, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं, क्योंकि अगर चाहे देखिए दोनों यही करंट आगे चल के आई एस ई बन जा रहा है, देखिए तो यहाँ पर हम आई ए लिख के चलते हैं, मतलब यहाँ पर आई ए करंट जो है आया और क्या हुआ कि इसमें जो है आई एस एच और आई में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट के रूप में हम आई ए ले रहे हैं जो कि आई एस ई भी हो सकता है, तो आई ए लिखिए चाहे आई एस ई सिमिलर है आई एस ई, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जंक्शन है दो पार्ट्स में डिवाइड, तो इनकमिंग करंट जो है आउट गोइंग में, इनकमिंग आई ए ले रहे हैं क्योंकि आई ए का काम है हमें, आई एस ई का भी नहीं है, आई ए का काम है, तो देखिए आई एस एच और आई ए में हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल टू आई एस एच प्लस आई में, आई एस एच प्लस आई में हम डिवाइड कर ले रहे हैं इसको। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी, तो इसको जो है स्टूडेंट्स आप नोट करके लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है हम आई ए इक्वल टू आई एस एच प्लस आई, आई में हमने इसको किया है। और यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो आई ए है वह इक्वल है किसके, आई एस ई के, तभी तो यहाँ पर आई ए लिख देखिए आई ए गया बाद में वही आई एस ई बन गया, तो देखिए कहीं डिवीजन देखा इक्वल है सीरीज में है इक्वल है। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन के बारे में, वोल्टेज इक्वेशन के बारे में देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, अभी इसको भूल जाइए और जिस तरीके से हम लिखवा रहे हैं वी टी को लेंगे, इधर वी एस सी को लेंगे, इधर वी ए को लेंगे, उसके बाद ई जी को लेने वाले, तो चलिए वी टी माइनस ई जी प्लस आई ए आर ए, आई ए आर ए देखिए आई ए आर ए
उसके बाद एक है और आपका जो है क्या, आई एस ई आर एस ई, आई एस ई आर एस ई, इन सभी वोल्टेज को ही लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हम जो है इक्वल दिखा रहे हैं इसके, क्योंकि हमने केवीएल है। चलिए यहाँ पर इसके आगे देखते हैं कि वी टी को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर, तो क्या लिखेंगे, ई जी माइनस में आई ए आर ए माइनस आई एस ई आर एस ई, बस इतना आपका होने वाला है। ये जो आपको दिख रहा है कि वी टी इज इक्वल टू ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस ई और आर एस ई, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है बिल्कुल इतनी ही चीज़ें आपको जो है ध्यान देनी है, बाकी सब जो है आप का उतना को रोल नहीं है। जो आप सोच रहे हैं सर ये शंट है क्या करें, जो आपने शंट वाउंड जनरेटर में किया, क्या ये वी टी है पैरेलल में है वी एस एच, आई एस एच आर एस एच मिलके वी एस एच, तो वी टी इज इक्वल टू वी एस एच, वी टी इज इक्वल टू वी एस एच, तो यहाँ पे वी टी क्या, वी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई एस एच आर एस एच। अब चाहे आई को सेपरेट करिए चाहे आर को सेपरेट करके आप जो है जो आपको फाइंड करना है वो कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, मेरे ख्याल से स्टूडेंट जो है इसमें कुछ भी टफनेस नहीं है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। ये सिंपल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं इसको जो है आप अच्छे से पढ़ रहे हो और हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसलिए जो है ये सिंपल हो गया। अगर इसमें हम हमारे और आप में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर जो है इतनी चीज़ें जो है होने वाली है। चलिए इसको हम हटाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। तो ये इसलिए आसान हो जा रहा है ताकि इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो है डीसी मोटर का देख के आया हो। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट, अपने लॉन्ग की बात कर लिए हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, शॉर्ट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर, देखिए नाम ही इसका शॉर्ट है, नाम ही इसका शॉर्ट है, तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या शॉर्ट करना है। जब नाम ही इसका शॉर्ट है तो हमें क्या शॉर्ट करना है उसको जो है स्टूडेंट जो है हम यहाँ पर समझ करके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के और जो है अच्छे तरीके से देख करके चलना है। तो लॉन्ग शंट मोटर जो हमने आपको भी पढ़ा है उसमें आपने क्या किया कि जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है उसको जो है हमने पैरेलल में किया, शंट वाइंडिंग को पैरेलल में किया सीरीज फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग के, तो ये चीज़ें आपने हमने जो है आपको अभी बताया और समझाया। अब जो है हम आपको जो यहाँ पर बताने और समझाने वाले हैं वो क्या होने वाला है उसको चलिए ध्यान से समझते हैं। उसको स्टूडेंट्स अगर हम समझें तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर हम बात करें जो है शॉर्ट शंट मोटर की, तो सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंस आपका यह होने वाला है कि जो है कि इसके पास जो है शॉर्ट शंट वाउंड डीसी जनरेटर मोटर नहीं है, शॉर्ट शंट वाउंड डीसी जनरेटर में आप इन सभी चीज़ों को जो है जो हमने पढ़ाया, आई होप आप लोगों ने जो है इसको स्क्रीन शॉट जो है ले करके रखा होगा, स्क्रीनशॉट ले करके रखा होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि हमें शॉर्ट करना है, तो क्या करना है चलिए बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट समझिए, तीनों वाइंडिंग की काम होगी, चाहे वो शंट हो फील्ड हो चाहे आर्मेचर हो, अरे शंट हो सीरीज हो चाहे आर्मेचर हो, सभी फील्ड वाइंडिंग की यहाँ पे काम होने वाली है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ कि जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, अगर कहीं शंट वाइंडिंग लिए हैं तो फील्ड का वाइंडिंग है, आप समझ करके चलिएगा, फील्ड वाइंडिंग है वो जो है पैरेलल में रहने वाली है, पैरेलल में रहेगी किसके, पैरेलल में रहेगी किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के, आर्मेचर वाइंडिंग के किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लिए, ओनली आर्मेचर वाइंडिंग के, नॉट अ सीरीज वाइंडिंग के, लॉन्ग में दोनों में था, लॉन्ग में दोनों में था, इसमें केवल इसमें आर्मेचर के। तो अगर इस कंडीशन को हम बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को बना ले रहे हैं, उसके बाद हमने बनाया आर्मेचर वाइंडिंग को, बट यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि हमें शंट को केवल आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल करना है। तो ये अगर आपका आर्मेचर है तो इस तरह से लाया हमने और शंट को जो है देखिए अभी ये जो है इसमें पैरेलल में हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है हम वी टी देने ही वाले हैं, आप समझ रहे हो,
और अगर ये आपका संट है तो आर एस एच, ये आपका सीरीज है तो आर एस ई, ये आपका आर्मेचर है तो आर ए, और ई जी आपका होने ही वाला है। करंट अगर हम बताएं यहाँ से निकलेगा, देखिए दो जंक्शन यहाँ पे आपको मिले हैं, चाहे इधर जाए चाहे इधर, अगर इधर जा रहा है तो क्या हो जाने वाला है आई एस एच, ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा आई एस ई, यही आई एस ई इधर आएगा तो आई ए आई ए। इतनी चीज़ें जो है आप नोट करके चल सकते हो, नोट करके चल सकते हो। चलिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, हमें इसको लिखने में जो है प्रॉब्लम ना हो, वोल्टेज इक्वेशन और करंट के इक्वेशन को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वोल्टेज के इक्वेशन को और करंट के इक्वेशन को यहाँ पे फटाक से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए क्या समझते हैं कि आपको क्या लिखना है, कि हमें लिखना है करंट के इक्वेशन को, करंट के इक्वेशन को क्या लिखना है, करंट के इक्वेशन को। देखिए बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको क्लियरली जो है ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो बिल्कुल दिख रहा है। चलिए इसके आगे देखते हैं, जो आपका करंट का इक्वेशन है इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आई ए है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आई ए यहाँ से निकला है, उसके बाद इसको जो है एक जंक्शन मिला है यहाँ पर, देखिए उस यहाँ पर देखिए आप इस क्या जो केसीएल लगाओ क्या लिख सकते हो कि जो आपका इनकमिंग करंट है, ये आपका करंट आ रहा है, इनकमिंग है, दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ये आउट गोइंग में हो गया, तो इनकमिंग क्या है आई ए, तो क्या लिख सकते हो आई ए इक्वल होता है आउट गोइंग के, आउट गोइंग में क्या है आई एस एच, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही जो आई एस ई है यही करंट जा करके आई, सॉरी आई ए आप नहीं लिखिए, केवल आई लिखिए, चाहे आई टी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आई लेकर जब शुरू से चला है तो यहाँ पर आई ही लेकर चलेंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आई एस ई है वो इक्वल है किसके आई के, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसको चाहे आई लिखिए चाहे आई टी लिखिए, चाहे टर्मिनल करके लिखिए चाहे आई लिखिए, तो हमने आई लिख दिया है समझने के लिए, आई एस ई और जो है आई में ये इक्वल रहने वाला है, तो यहाँ पर इक्वल रहेगा तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये आपका इनकमिंग करंट और ये आउट गोइंग ये दोनों हो जाने वाले हैं, तो आई एस एच हमने लिखा प्लस, अब ये क्या लिखेंगे हम जो आई एस ई है इसको हम आई लिखने की कोशिश करें क्योंकि हमें आई का जो है यहाँ पे मेन इक्वेशन में रोल है, और जो है आई जो है इक्वल है आई एस ई के, तो आप लिख सकते हो एज अ दिस कंडीशन सीरीज के। चलिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन को, वोल्टेज इक्वेशन, तो वोल्टेज इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है, तो वोल्टेज इक्वेशन के साथ साथ हम अपने इस चौक को भी जो है क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से काफ़ी बड़े बड़े में लिख सकें। चलिए यहाँ पर लिए नेक्स्ट और आपको बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पर चलिए जो हम आपको बताएं कि अगर इसको हमें समझना है तो क्या करिए, पहले हम जो इस तरीके से आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि वी टी तो लेने ही वाले हैं, उसका तो हमें काम ही है, के वी एल लगा रहे हैं तो वी टी तो लेने ही वाले हैं, वी टी अब हम लेंगे माइनस ई जी, माइनस ई जी प्लस, देखिए ये आपका जो आर एस सी और आई एस सी मिलेगा तो क्या होगा आर एस सी आई एस ई प्लस आई ए आर ए, आई ए आर ए इक्वल टू ज़ीरो। आई होप आपको इतनी चीज़ जो है स्टूडेंट्स दिख रहे होंगी, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको जो है अच्छे से दिख ही रही होंगी, तो चलिए हाँ बिल्कुल सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही हैं। तो चलिए इसके आगे देखिए, अगर हम वी टी को सेपरेट करते हैं और इस सबको इक्वल के उस तरह भेजते हैं तो जब ई जी जाएगा तो उधर प्लस में हो जाने वाला है ई जी, माइनस में हो जाएगा आपका आई ए आर ए, बाद में ये आई एस सी आर एस सी भी उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आर एस ई, सॉरी पहले आई एस ई लिख लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, आई एस सी और आर एस ई जो है आपका हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये आपका इक्वल में हो जाने, तो ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जो आपको ये लग रहा होगा, देखिए जो वी एस एच है आर एस एच मिलकर वी एस एच बन जाएगा, और इधर जो है आई ए आर ए दिख रहा है, तो देखिए ये दोनों पैरलर में हैं तो इनके वोल्टेज को आप इक्वल करके दिखा सकते हैं, तो दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमने आपको बताया करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन, बहुत शानदार हमने आपको यहाँ पे बताने की, बहुत शानदार आपको बताने की कोशिश की है। तो ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई बिल्कुल सारी चीज़ें आपको जो है करेक्टली आपको लिखी हैं, और बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत में बिल्कुल नहीं होने वाली है। देखिए इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप, अब ये मानता हूँ कि जो डीसी मोटर है डीसी जनरेटर है इन सभी को पहले इसको मिटा लेते हैं, इन सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको एक अच्छी चीज़ें बताते हैं। देखिए
अच्छी चीज़ें क्या हैं उसको समझिए। अच्छी चीज़ें यह हैं कि हमने आपको पढ़ाया क्या क्या पढ़ाया, अब जो इतनी चीज़ें पढ़ाए उसको अब समझ लीजिए कि हो गया, जो हमें कराना था टॉपिक आज का वो कंप्लीट हो गया। फ्री में जो चीज़ें दे रहे हैं उसको लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वो लास्ट में जो बताते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले, सारे वीडियो का जो जो इसमें पढ़ाए वो सभी का जो है निचोड़ रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि मैंने आपको क्यों पहले करेंट इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन कराया, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहले आपको समझना यह है कि आपको सर्किट बनाना आना चाहिए। अगर मैंने ये डीसी मोटर डीसी जनरेटर अगर आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ाया, डीसी मोटर डीसी जनरेटर, तो आपको आपको इन सभी का सर्किट सर्किट डायग्राम डायग्राम और वोल्टेज इक्वेशन और करंट का वो जो रिलेशन बताए थे उसको निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिसको हम दे रहे थे करंट का इक्वेशन कि करंट कहाँ से हमें फ्लो कराना है। ये तीनों चीज़ें आपको कभी भी रात में भी उठा के पूछ लिया जाए तो आपको भूलना नहीं है, अपना नाम भूलने से पहले आप इसको भूलना नहीं है, ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको कि इसको आपको किसी भी हद में जा कर के इसको आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको समझिए जिस तरीके से हमने आपको बताया है, कि आपको एकदम प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं समझने में कि इसको किस तरीके से हम याद करें। देखिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होती है कि हम इसके इक्वेशन को याद नहीं कर पाते हैं और इसके इक्वेशन को भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमने आपको इस तरीके से बताया ताकि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो इन सारी चीज़ों को समझने में और इसको आप भूले ना, इसलिए हमने इस तरीके से आपको पढ़ाया है। आने वाले जितने भी लेक्चर होने वाले हैं या पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे हुए हैं वो सारे लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिना मशीन फर्स्ट को समझे सेकंड समझ में आने वाला नहीं है। थ्री फेज मशीन फर्स्ट सिंगल फेज का यह भी प्रॉब्लम है, तब आपको टिपिकल दिख रहा है, थ्री फेज जब जाएगा तो आपको वहाँ पे जो है सारी चीज़ें विजुलाइजेशन तरीके से आपको समझनी होंगी। ये भी आपको विजुलाइजेशन तरीके से ही है, बट हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी बोर्ड पे होती हुई दिखाई दें और आपको समझ में आए कि आप कभी भी शंट वाउंड देखिए मोटर चाहे जनरेटर चाहे कंपाउंड वाउंड मोटर चाहे जनरेटर देखिए, तो आपके माइंड में खट्टर से वो जो है वोल्टेज इक्वेशन याद आनी चाहिए कि इसका वोल्टेज इक्वेशन ये होने वाला है, करेंट इक्वेशन ये होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो ये मेरी आपसे थोड़ी सी क्या है कि रिक्वेस्ट है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को हल्के में ना ले और अच्छे तरीके से इसको पढ़ करके चले। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो है आपके साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ इसको डिस्कस करिए और जितने लेक्चर्स आने वाले सेमेस्टर्स के भी उनको भी ये वीडियो इस चैनल पे आपको बिल्कुल कराए गए हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। बट हम आपको हर न्यू ईयर्स का जिस सेमेस्टर चेंज होता है तो हम आपको सारी चीज़ें नए नए तरीके से, मतलब टॉपिक वही है, पढ़ाने का तरीका अलग है और समझाने का तरीका वही है, बट ये है कि आपको जो है हर चीज़ में हर वीडियो में कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक जाते जाते एक लॉजिक समझ के चलिए कि टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो, ये सब टेक्निकल के अंदर आती है, तो टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप बार बार जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ऐसा आप बिल्कुल मत समझिए कि अगर हमने एक बार पढ़ लिया है तो हमें बिल्कुल आता है, तो यही आपका भ्रम है। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ें अभी हमें नहीं दिख रही हैं, मतलब ये हमने जो है अभी अभी सीखा है। चलिए तो सीखने का काम जारी रहे, तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलिए अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, चलिए थैंक यू।